हाय फ्रेंड यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। देखो मेरे यहाँ करेले बनाए जा रहे हैं। इसमें प्याज पड़ता है, सरसों पड़ती है, जीरा पड़ता है, टमाटर पड़ते हैं। आपकी इधर करेले बनाए जाते हैं तो क्या क्या पड़ता है कमेंट में ज़रूर लिख के बताना फ्रेंड। सबको बनाया के खा जाना ज़रूर आके। मेरी तो अभी तक बीमार है, हड्डी भी नहीं सही हुई है। देखो लड़की है, ये बर्तन धो रही है, ये करेले जा रही बनाने। मैं तो बीमार पड़ी हूँ, आज 2 बजे रात के भर्ती होने गए थे। ओ मोना, ओ मोना, हमने तेरे से मांगो तो लहसुन दे दे। लहसुन मांगो तो लहसुन गरम करके आने का मेरी हड्डी में फ्रेंड बहुत ज़्यादा लग गई और मेरे पेट में इतनी दर्द हो रही है, गैस भर रही है ज़्यादा, घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही है। आप लोग फ्रेंड ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करना, ये वीडियो ज़रूर देखना फ्रेंड, कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। आप लोगों से बहुत उम्मीद है फ्रेंड, मेरे इतने सारे हैं मेरे को सपोर्ट करेंगे। मैं 2-3 दिन से बीमार पड़ी, हड्डी काम नहीं कर रही है। MRI कराने जाते हुए नहीं, MRI आज फिर जाएंगे। हड्डी में बहुत तकलीफ हो रही है, लेटने में परेशानी हो रही है, लेटने में लेट नहीं पा रहे हैं। छोटे से कमरे में रहते हैं, छोटे से घर है, रहन पे मेरे समय बहुत ख़राब चल रहे फ्रेंड, बहुत ज़्यादा। मेरी हड्डी में 10 साल पहले कैंसर बोल दिया था, इसमें पस बन गई थी, उसी हड्डी में चोट लग गई, बहुत तेज फूली है, अब बता नहीं सकते इतनी मेरे दर्द होती है। तो कल रात के 2 बजे भर्ती होने गए थे, डॉक्टर ने दवा ववा लिख दी। यूका लगा रही, देखो यूका लगा दे, मरवे है सही में, यूका लगा गई है वहां से बॉडी दर्द धीरे धीरे का लगा गई है। अरे गैस बन रही है फ्रेंड बहुत ज्यादा, कॉमे में लिख के जरूर बताना कैसे, घबराहट बेचैनी हो रही गैस के वजह से, पेट में परेशानी है। कमेंट में लिख के ज़रूर बताना क्या खाए तो पट आ जाए, मेरे आराम मिल जाए। हड्डी में तकलीफ बगल से है, लहसुन बूझ रही लड़की, वही गर्म पानी से खा रहे लहसुन। देख
देखो ये लहसुन भूज रहे यही खाएंगे अभी गर्म पानी से। आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताना कि क्या क्या खाया हो जाता है गैस में, गैस पेट में बन जाती है तो क्या खाओ तो आराम मिल जाए। मेरे को इतनी जानकारी नहीं है फ्रेंड। अरे ना कहूँ घूमने जाते नहीं फ्रेंड, घर में रहते हैं तो घर की वीडियो डालते हैं, सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं और कहीं नहीं जाते घूमने। जब तकलीफ होती है मेरे को, बच्चों का लेवा आगे जाते हैं।